हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर। लास्ट वीडियो में हमने सिलेबस डिस्कस किया था कंपाइलर डिज़ाइन का। आई होप आपने वो वीडियो ज़रूर चेक की होगी। तो आज स्टार्ट करते हैं फेजेस ऑफ कंपाइलर से। मैं आपको बता दूँ गाइज, अगर आपको कंपाइलर डिज़ाइन अच्छे से पढ़ना है ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ये आपका बेस बनाएगी कि कंपाइलर एक्चुअल में होता क्या है, कैसे वो काम करता है, क्या क्या फेजेज़ है, और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना इन फेजेज़ में से, वो सारे के सारे इस वीडियो में आपको कवर करूँगा। तो चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या कॉलेज या यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया कि कंपाइलर इज़ बेसिक यूज टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू द लो लेवल लैंग्वेज। अब ये यार ये कहानी क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है जो जनरली हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे सी एम प्री प्रोग्रामिंग है, सी प्लस प्लस है, पाइथन है, जावा है। अब उसमें हम क्या चाहते हैं कि मेरे को डायरेक्ट मशीन कोड ना लिखना पड़े, क्योंकि मशीन कोड लिखना अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो इसीलिए हमारी एडवांटेज के लिए क्या किया, प्रॉपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बना दी, जिसके अंदर इंग्लिश के करैक्टर, इंग्लिश के वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, और जिसकी वजह से आप इजीली प्रोग्रामिंग लिख कर सकते हो, लेकिन कंप्यूटर तो समझ नहीं सकता। तो हम जो यहाँ पे लिख रहे हैं ना, डैट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, लेकिन कंप्यूटर जो समझता है डैट इज़ अ असेंबली लैंग्वेज, या आप मशीन कोड बोल सकते हो, या आप उसको बोल सकते हो लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हो। तो यार हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करने का काम किसका है, बेसिकली कंपाइलर का। इट इज़ जस्ट सिंपली लाइक अ ट्रांसलेटर, जैसे गूगल का ट्रांसलेटर को यूज़ करते हो किसी भी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, ताकि कंप्यूटर उसको समझ पाए। अदरवाइज मैंने प्रोग्राम लिखा, आपने इसको कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, नो आउटपुट, तो फ़ायदा क्या हो उस प्रोग्राम का लिखने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फेज है यहाँ पे लेक्सिकल एनालिसिस का, सिंटैक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन, देन कोड ऑप्टिमाइजेशन है, देन टारगेट कोड जनरेशन। मैंने आपको सिलेबस में बताया था ये सारे के सारे एक्चुअल में आपके सिलेबस के पॉइंट है। हर एक का एक्चुअल में क्या है, एक एक चैप्टर ही है, आप उसको एक एक चैप्टर की तरह कंसिडर कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आया, हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या आता है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स। जैसे आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, या हैश इंक्लूड एस टी डी ओ इंट मेन, कोई भी प्रोग्राम लिखा सम फाइंड आउट करने का, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सम किया, कुछ भी, मतलब आपने जो भी प्रोग्राम किया उस प्रोग्राम को सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को लेक्सिकल एनालिसिस में प्रोवाइड करते हैं। इवन लेक्सिकल एनालिसिस से भी पहले प्री प्रोसेसर का फंडा होता है। प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या करता है, जो ये हेडर फाइल क्या है इनको हटाने का काम करता है। तो उससे पहले जब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज लेक्सिकल एनालिसिस में आती है, तो इसको हम क्या देते हैं, इसमें इनपुट क्या जाती है, स्ट्रीम ऑफ करेक्टर्स, जो हम यहाँ पे प्रोग्रामिंग लिखते हैं, और ये आउटपुट में क्या जनरेट करता है, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जनरेट क्रिएट करता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे बताता हूँ। लेट्स से हमने कोई भी एक सिंपल सी स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, पूरा प्रोग्राम करने के बजाय एक सिंगल स्टेटमेंट, लेट्स से वाई इज इक्वल टू टू इंटू एंड टू इंटू एक्स। अब लेट्स से ये स्टेटमेंट है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी है, इसको मैंने डाला लेक्सिकल एनालिसिस में, इसने क्या करना है इसको टोकन में कन्वर्ट कर देना है। तो वाई अपने आप में क्या बन जाएगा, एक टोकन, इसको आप आइडेंटिफायर भी बोल सकते हो। इक्वल क्या है यहाँ पे, असाइनमेंट टू क्या है यहाँ पे, कॉन्स्टेंट, स्टार क्या है यहाँ पे, ऑपरेटर, और देन एक्स क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफाइड, गेटिंग द पॉइंट। तो इसने क्या करना है, वन टू थ्री फोर फाइव टोकन में इसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो जैसे ये स्ट्रीम ऑफ टोकन में डिवाइड हो गया, ये बेसिकली काम किसका है, लेक्सिकल एनालिसिस का। इसके अलावा कमेंट्स है उनको हटाना है, वाइट स्पेसेस है, ब्लैंक स्पेसेस है उनको खत्म करना है। तो ये सारा का सारा काम किसका है, लेक्सिकल एनालिसिस का। तो इसको बोलते हैं हम लेक्सीम। लेक्सीम यहाँ पे जो है इसको टर्मिनोलॉजी हम यूज करते हैं, ऑल दो एक एक करके हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे बेसिक आप देख लो कि अगर आपको कहीं पे नॉर्मली पूछे एटलीस्ट आप ये बता सको। तो इसको आप स्कैनर की तरह भी बोल सकते हो, इसको आप टोकनाइजर भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम यूज करते हैं बेसिकली फाइनाइट ऑटोमेटा, DFA NFA हम यूज करते हैं। तो टू क्रिएट अ करेक्टर्स टू टोकन, कन्वर्ट करेक्टर टू टोकन। तो यहाँ पे टोकन मेरे कन्वर्ट हो गए, आइडेंटिफायर आ गए, आइडेंटिफायर के साथ साथ मुझको पता लग गया असाइनमेंट ऑपरेटर मेरा कौन सा है, इसके अलावा मुझको पता लग गया कॉन्स्टेंट कौन सा, ये सारे मुझको पॉइंट यहाँ पे पता लग गए। और इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को हमने सिंगल टेबल में सेव कर देना है। तो यहाँ पे सिंबल टेबल जो है इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, सिंबल टेबल में हमने करना क्या है, जितने भी आइडेंटिफायर है उनको हमने सेव कर लिया, उनकी टाइप। अब ऑब्वियसली ऐसा तो लिखा नहीं होगा वाई इज इक्वल टू इंटू एक्स, इसके ऊपर कहीं ना कहीं इंट एक्स वाई जरूर लिखा होगा। तो भैया इनकी टाइप क्या है, साइज क्या है,
इनका स्कोप क्या है, इसके अलावा इनको रेदर दे हैव रेफरेंस टू फर्दर और नोट, ये सारी कंडीशन हमने सिंबल टेबल में सेव कर दी ताकि हम किसी भी स्टेज को उसको लेटर ऑन यूज कर सकें। देन हमारा आ गया सिंटैक्स एनालिसिस। सिंटैक्स एनालिसिस तो मैंने पहली क्लास में बताया था कि ये सिंटैक्स एनालिसिस जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज है। यहाँ पे एक्चुअल में क्या आता है, पार्सिंग, इसको हम बोलते हैं पार्सर। तो ये पार्सिंग का काम बेसिकली कौन करता है, सिंटैक्स एनालिसिस करता है। यहाँ पे हम सिंटैटिकली चेक करते हैं, मेरे पास जो ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हमने चेक करना है वेदर माए टोकन्स आर प्रॉपरली सिंटैटिकली ऑर्गेनाइज्ड और नॉट, वेदर देयर इज एनी एरर इनसाइड द और नॉट। तो इसको हम चेक करते हैं पार्सिंग के थ्रू। यहाँ पे हम पार्स ट्री बनाते हैं और चेक करते हैं वेदर द ग्रामर इज एम्बिगी और नॉट। ये सारे पॉइंट हम यहाँ पे चेक करते हैं सिंटैक्स एनालिसिस में। जैसे अगर मेरे पे यहाँ पे इसको बनाना है तो इसका अगर मुझे पार्स ट्री में कन्वर्ट करना है तो सिंपली पार्स ट्री हमेशा स्टार्ट कहाँ से होती है, स्टार्ट सिंबल से। लेफ्ट साइड में मेरे पास ये वाला वाई आ गया आइडेंटिफायर, यहाँ पे मेरे पास इक्वल टू आ गया, इधर मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ गया ई, और इस एक्सप्रेशन को मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, टू मल्टीप्लाई वाला सिंपल एंड देन एक्स, या एक्स की जगह आप यहाँ पे आइडेंटिफायर लिख सकते हो। आइडेंटिफायर अगर आप लिखते हैं तो आइडेंटिफायर ओब्वियसली कौन सा एक्स है, तो ये कौन सा है एक्स है, और ये कौन सा वाई है। तो बेसिकली यहाँ पे सिंटैटिकली यहाँ पे चेक कर रहा है, डेट इज एक्चुअली या सिंटैक्स एनालिसिस पार्सिंग फेज, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज। तो पार्स ट्री में हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या था, मतलब इसकी आउटपुट क्या आ गई, पार्स ट्री। देन आ गया सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस ने बेसिकली चेक करना है लॉजिकल काइंड ऑफ एरर। लॉजिकल काइंड ऑफ एरर का मतलब क्या है, वेदर द वेरिएबल आर डिक्लेयर प्रॉपरली और नॉट। तो ये मैं यहाँ पे एक्स वाई यूज करूँ, भैया उनको डिक्लेयर किया है या नहीं किया, किया है तो उनकी स्कोपिंग स्टैटिक स्कोपिंग है, डायनामिक स्कोप है, डेट इज एक्चुअली चेक्ड इन द सिमेंटिक एनालिसिस। लॉजिकल एरर हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके बता दूँ, कई दफ़ा पूछ लेते हैं कि डिवाइड बाई जीरो, आप किसी वैल्यू को डिवाइड बाई जीरो करो, वेदर इट इज चेक इन सिमेंटिक एनालिसिस, नो डेट इज एक्चुअली ड्यूरिंग द रन टाइम। ये हम बात कर रहे हैं कंपाइल टाइम पे। तो कंपाइल टाइम पे कोई भी सिंटैक्स काइंड ऑफ एरर है, कोई भी लेक्सिकल काइंड ऑफ एरर है, कोई भी लॉजिकल काइंड ऑफ एरर है, वेरिएबल डिफाइन नहीं है या उनकी टाइप प्रॉपरली मेंशन नहीं है, या सारे जो है आपके लॉजिकल एरर है, दे आर चेक्ड हेयर। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं एसडीडीटी। एसडीडीटी क्या है, सिंटैक्स डायरेक्टिव ट्रांसलेशन है हमारे पास। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी के साथ जो हमारी ग्रामर है उस ग्रामर के रूल के साथ साथ हम क्या लगा देते हैं, एक्शन लगा देते हैं, मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है, कुछ प्रिंट करना है जो भी, तो डेट इज बेसिक है डिक्लेयर हेयर इन द एसडीडीटी। उसके बाद आपका आ गया इंटरमीडिएटेड कोड जनरेशन। दिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरमीडिएटेड कोड जनरेटर में हम करते क्या है, बेसिकली यहाँ पे हम मेनली यूज होता है थ्री एड्रेस कोड। ये क्या करता है, थ्री एड्रेस कोड जो पास ट्री आया उसको थ्री एड्रेस कोड में जनरेट करता है। वैसे तो यहाँ पे पोस्टफिक्स भी यूज करते हैं, मल्टीपल है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है डेट इज थ्री एड्रेस कोड। ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड जो है जनरेट करता है। एक और पॉइंट सुन लो, यहाँ पे सिंबल टेबल तो साथ की साथ कनेक्टेड है, क्योंकि अगर मुझे कोई भी सिंबल चेक करना है, उसकी टाइप, उसकी स्कोपिंग, ईच एंड एवरीथिंग, तो मैं कभी भी चेक कर सकता हूँ सिंबल टेबल से। तो इसके अलावा जो है ना, ये पॉइंट याद रखना कि कंपाइलर में यहाँ तक इसको, कंपाइलर में यहाँ तक हम इसको क्या बोलते हैं, फ्रंट एंड बोलते हैं। मतलब कोई भी आप प्लेटफॉर्म, मतलब विंडो का प्लेटफॉर्म है, लिनक्स का, मैक का, अलग अलग प्लेटफॉर्म है, तो मान के चलो यहाँ तक आपकी सेम ही है। तो इंटरमीडिएट कोड ने जो भी थ्री एड्रेस कोड जनरेट किया उसको उठाओ और उसको आप बैकएंड, बैकएंड में हमारे पास ये दो चीज़ें आएगी। बैकएंड में मतलब क्या है, बैकएंड में जो मर्जी मशीन हो, लेट्स से बैकएंड में इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया विंडोज के थ्रू, विंडोज के कंपाइलर के थ्रू, तो उसी इंटरमीडिएट कोड जनरेटर को, उसी कोड को आप क्या करो, लिनक्स में यूज़ कर सकते हो, या लिनक्स वाला आप विंडो में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये वाले फेजेस जो है यहाँ तक सेम ही है। बाद वाली कहानी जो है वो चेंज हो जाती है, क्योंकि डेट इज़ अ मशीन डिपेंडेंट, ये मशीन के अकॉर्डिंग इसको कर देता है। अगर मैं यहाँ पे इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट करके दिखाऊं, तो थ्री एड्रेस कोड बेसिकली है क्या, सिंपली थ्री एड्रेस यूज करते हैं, जैसे T1 इज इक्वल टू 2 × x कर दिया, और T1 की वैल्यू मैंने किस में डाल दी, y में डाल दी। जैसे एक सिंपल सी एग्जाम्पल से मैं और बताऊँ, लेट से a+b × c मैंने z में डालनी है, तो हम क्या करेंगे, b × c की वैल्यू मैंने T1 में डाल दी, तो T3 एड्रेस है, तो अब T1 की वैल्यू हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे a में,
ए प्लस टी वन में ये मैंने सेव कर दिया, टी टू में देखो तीन एड्रेस हो गए ना मैक्सिमम, मैक्सिमम एड्रेस कितनी हो सकती है तीन। फिर टी टू की वैल्यू हमने किस में डाल दी, जेड में। तो इस तरीके से हम थ्री एड्रेस कोड में हम इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको मैंने टू एड्रेस थ्री एड्रेस में किया तो मतलब जो भी पार्स ट्री आया, लॉजिकल एरर है, सिंटैक्स एरर चेक कर लिया, फाइनली मैंने इसको थ्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर दिया। अब थ्री एड्रेस कोड को हमने क्या करना है, ऑप्टिमाइज करना है। ऑप्टिमाइजेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जैसे लूप्स वगैरह यूज़ कर रहे हो उनको आपने ऑप्टिमाइज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा लाइन ऑफ कोड जो है क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्योंकि लोकल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, करते क्या कोड को ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, और ब्लॉक के अंदर जो हम लोकल ऑप्टिमाइजेशन, ब्लॉक के बाहर ग्लोबल ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। ये सारे पॉइंट छोटे छोटे आपको डिटेल में बाद में आएंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन में मैं एक छोटा सा पॉइंट आपको बताऊँ, जैसे इसी कोड को ऑप्टिमाइज करना हो तो आप कर क्या रहे हो, टू इंटू एक्स कर रहे हो, मतलब एक्स को टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लिकेशन इज वट इट इज़ अ कम्प्लेक्स, आप कर सकते हो, ये ऑपरेशन जो है ये कम्प्लेक्स है, ये टाइम कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू प्लस। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टी वन इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने की बजाय आप इसको एक्स प्लस एक्स कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। एक्स की वैल्यू लेट्स से 10 है, तो 10 इंटू 2 20, 10 प्लस 10 20, तो ऑब्वियसली आंसर तो सेम आएगा। बट हमने किया क्या, जो ऑपरेटर का कह सकते हो, जो ऑपरेटर मतलब के कोई भी आपको लगता है कि जैसे एक्सपोनेंशियल है, उसको हटा के आप मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन को हटा के आप क्या कोशिश करो, प्लस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो जैसे ही मैंने इसको किया तो कहीं ना कहीं मेरा ऑप्टिमाइज हो गया। तो आप सीधा भी लिख सकते हो, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई में कर दिया, इससे मेरे लाइन ऑफ कोड भी कम करना है, लूप्स वगैरह उसको भी हम ऑप्टिमाइज करते हैं। सो दिस इज ऑप्टिमाइजेशन फेज। आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन फोर्स फाइनली मेरा आ गया टारगेट कोड, दैट इज योर मशीन कोड जनरेशन, इट डिपेंड ऑन योर मशीन वेदर इट इज सिंगल एक्यूमुलेटर। अगर ये वाला फंडा है आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का सिंगल एक्यूमुलेटर है, या फिर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। जैसे मैं इसी को आपको करके दिखाऊं, जैसे एक्यूमुलेटर के कोडिंग, एक्यूमुलेटर के करके अगर मैं दिखाऊंगा, अगर मैं क्या बोलूंगा लोड एक्यूमुलेटर एक्स की वैल्यू को मैंने क्या किया, लोड कर दिया एक्यूमुलेटर में, उसके बाद टू इंटू एक्स करना है या एक्स प्लस एक्स करना है। तो आप ऐड भी कर सकते हो एक्स प्लस, या आप शिफ्ट लेफ्ट भी कर सकते हो। तो किसी भी वैल्यू को आप टू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो अगर आप एक दाब शिफ्ट लेफ्ट कर दो ना, तो वो अपने आप क्या हो जाता है, टू से मल्टीप्लाई ही हो जाता है। गेटिंग द पॉइंट और नोट। इसके बाद आपने क्या करना, फाइनली स्टोर कर देनी है वैल्यू, एक्यूमुलेटर की वैल्यू आप स्टोर कर दो वाई में, आपको स्टोर कर देनी। इस तरह से आप सिंगल एक्यूमुलेटर में लिख सकते हो, रजिस्टर के हिसाब से अगर लिखना चाहते हो तो यहाँ पे दो रजिस्टर लगा लो, लेट्स से मल्टीप्लाई R1 R2, तो R1 में 2 डाल दी और R2 में x की वैल्यू डाल दी, दोनों में R1 की वैल्यू सेव करके R1 में सेव कर दिया, तो R1 की वैल्यू दोनों को मल्टीप्लीकेशन आ गई। तो इस मल्टीप्लीकेशन को क्या कर दो, स्टोर कर दो y में स्टोर कर दो। तो इस तरह मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, टारगेट कोड में कन्वर्ट कर लेते हैं, दैट इज असेंबली लेवल लैंग्वेज या फिर मशीन कोड। सो दिस इज द मेन, आप कह सकते हो ओवरव्यू, यार ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस जो है कैसे काम करते हैं, कैसे हम एक्चुअल में परफॉर्म करते हैं। सिंपल टेबल इस तरह से सारों से कनेक्टेड है। ऐसे यहाँ पे एक है एरर हैंडलर भी सारों से कनेक्टेड है। एरर हैंडलर का बेसिकली पर्पज़ क्या है कि लेट्स से कोई एरर्स आ रही है, लेट्स से लेक्सिकल एनालिसिस की बात करें तो आपने डबल कोर्स लगाए लेकिन डबल कोर्स बंद करना भूल गए, तो ये क्या है, एक तरह से लेक्सिकल एनालिसिस है, आपने पैरेंथेसिस नहीं लगाए तो सिंटैक्स काइंड ऑफ एरर आ जाएंगे। तो जो भी अगर एरर आएंगे उन एरर को कैसे हैंडल करना है, कई दफ़ा जो कंपाइलर जो है वो खुद भी रेक्टिफाई कर जाता है। जैसे कोई भी आपने इंट लिखा, इंट ए लिखा, मतलब इंट डबल टी लगा दिया, तो कहीं ना कहीं अपने आप क्या कर देता है, रिमूव करके कहीं ना कहीं टाइम जो है यूजर का सेव करता है। और इनकेस अगर कंपाइलर खुद स्टक हो गया कहीं पे, तो उसको बैक ट्रैक कैसे करना है, ईच एंड एवरी पॉइंट इज एरर हैंडलर। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस फेजेस ऑफ कंपाइलर। सो थैंक यू।